आग्रा सहरे जड़े धनी व्यक्ति बास करुथिले। सहरे तांकु मध्य समस्ते सम्मान देखांती। प्रतिदिन विभिन्न लोक तांकु साक्षात करिया पई आसुथिले। जहार जहा असुविधा तांकु आगरे खोली कहंती। धनी व्यक्ति जणंक किंतु समस्तंकु साहाज्य करिवार निर्भर प्रतिश्रुति दियंती, किंतु काहाकु साहाज्य करंती नाही। सेही सहरे रविदास नामक जणे कवि बास करुथिले। धनी व्यक्ति संपर्क शुणा पर दिने रविदास देखा करिवाकु बाहरिले। धनी व्यक्ति घरे पहुंचिबा परे प्रथमे निजर परिचय प्रदान कले। कविंकर परिचय पाइबा परे धनी व्यक्ति उपयुक्त सम्मान प्रदान कले। कवि मध्य धनी व्यक्ति खुशी करिवा पई किछि स्वरचित कविता पाठ कले। कविंकर कविता धनी व्यक्ति खूब आनंद प्रदान कला। कवि धनी व्यक्ति खुशी करिवाकु जाई तांकु धनर देवता कुबेरंक सहित तुलना कले। धनी व्यक्ति मध्य महा आनंदरे कविंकु किछि पुरस्कार देबा पई घोषणा कले। धनी व्यक्तिंकर घोषणा शुणिबा परे रविदास मन खुशी घरकु फेरिले। परदिन जेमिति रविदास धनी व्यक्तिंक घरे पहुंचिले, धनी व्यक्ति पुरस्कार देबा कथा फांकी देले। सीधा सीधा मना करी कहिले, कवि महाशय, आपणंक कवितार शैली अत्यंत चमत्कार, हेले आपण मनुष्यर हृदय को बुझिबाकु समर्थ असमर्थ। मु तुमको निराश करूनाही। मु तुम कवितारु जहा अनुभव कली ताहा तुमको जणाई देली। धनी व्यक्ति कथा शुणी रविदास मन दुखरे घर को फेरिले। घर को फेरुथुया समय रे बाटरे से बीरबल को देखिले। बीरबल तांकु दुखर कारण पचारिबारु से तांको निकटरे समस्त घटना वर्णना कले। रविदास तांकठारु सबु कथा शुणिबा परे बीरबल तांकु एक उपाय बताई देले। बीरबल तांकु निज पाखरे थिबा पांचटी स्वर्ण मुद्रा देले एवं कहिले, तुमे एही मुद्रा को नियो एवं एक रात्रि भोजन आयोजन कर। यहाँ से ही धनी व्यक्ति को तुम घर को निमंत्रण कर। बीरबल कथा शुणा पर रविदास बाल्यकाल बंधु मायादास घर को जाई तांकर उपाय संपर्क कहिले। रविदास कहिबा अनुजाई मायादास खाद्य पदार्थर पूरा बंदोबस्त करदे। यहाँ रविदास धनी व्यक्ति पाखे जा पहुंची कहिले, महाशय, आपण ए सहरर जणे मान्यगण्य व्यक्ति होइथिबारु आपण मो घरे थरे पदार्पण करंतु। मु आज रातिरे एक भोजिर आयोजन करुछि। मु आपणंकु सुना थाळीरे खाइबाकु देबी एवं खाइबा परे आपणंकु सेही थाळीटि दे देबी। रविदासंक कथा शुणिबा परे धनी व्यक्तिर मनरे लोभ जात हेला। ठीक राति हेबारु धनी व्यक्ति रविदासंक घरकु जिबाकु बाहरिले। रविदासंक घरे पहुंचिबा परे धनी व्यक्तिंक सहित रविदास एवं तांकर बंधु बेसे गपसपरे मातिगले। किछि समय अतिक्रांत होइगला, धनी व्यक्तिंक प्रबल भोक लागिलेनि। राति बेसी हेबारु से बाध्य होइ रविदासंकु खाइबाकु जिबा कथा पचारिले। धनी व्यक्तिंक प्रश्न शुणि मायादास आश्चर्य होइ उल्टा प्रश्न पचारिले, खाद्य कोण खाद्य? धनी व्यक्ति मध्य एपरि कथा शुणि आश्चर्यचकित होइ पड़िले। से कहिले, मोते आपण माने काली मो घर को जाई मोते एठाकु आसिबा पई कहिथिले एवं सुवर्ण थाळी रे खाद्य देई से थाळी नेबा पई मध्य कहिथिले। धनी व्यक्ति कथा शुणि रविदास कहिले, कौन प्रमाण अछि जे आमे काली आपणकु एठाकु डाकिथिलु? रविदासंकर कथा शुणि धनी व्यक्तिंकर मन दुख होइगला। ठीक एही समय रे बीरबल आसी सेठारे पहुंचि गले। धनी व्यक्ति कहिले, महाशय, आपण मने पकांतु रविदासंक कविता शुणी आपण कौन कहिथिले? तुमे मध्य तांक प्रति ठीक एही परि व्यवहार करिथिलो। बीरबलंक कथा शुणी धनी व्यक्ति तांकर भूल बुझि पारिले। एहा परे समस्ते सांग होई भोजन कले। परदिन धनी व्यक्ति रविदास कहिथिबा कथा अनुजाई पुरस्कार प्रदान कले। रविदास बीरबलंकर चतुरतार प्रशंसारे सतमुख होइ पडुथांती। एहिपरि बीरबल तांकर चतुरता बळरे सबु समस्यार समाधान करदे पारुथिले। कहानीटी भल लागिथिले भिडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आज पई एतिकि, पुणी देखा हबो किछि सुंदर कहानी सहित आउ एक भिडियो रे। से पर्यंत विदाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।